हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन मटन या हरियाली मटन, वो भी मेरे स्टाइल में। ये रहे इंग्रेडिएंट्स, इसे आप नोट कर लें। सबसे पहले ग्रीन पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है प्याज, धनिया पत्ती, पुदीना और हरी मिर्च। इसे हम पेस्ट बना लेंगे। कुकर में तेल रखकर साबुत गरम मसाले, मटन और जिंजर गार्लिक पेस्ट रखकर मटन को हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे, जब तक कि गोश्त का पानी जो है वो सूख न जाए। और जब गोश्त का पानी सूख जाए तब उसमें हम रखेंगे हमारा ग्रीन पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और आधे ग्लास पानी रखकर 3 से 4 सीटी के साथ हम गोश्त को पहले गला लेंगे। 3 से 4 सीटी हो चुकी हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं। ये देखिए, हमारा गोश्त गल चुका है। अब मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर दूंगी। कढ़ाई में 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसी के साथ हम इसमें हमारा दही रखकर 5 मिनट के लिए पहले पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा मटन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम रखेंगे गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी। इसे रखकर और 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हरियाली मटन रेडी है खाने के लिए। इसे आप पराठा, चपाती, बटर नान किसी के भी साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगेगा। मेरी ये डिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।